Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ एस्थेटिक प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मंगवाए हैं मीशो से. एंड मीशो में ऐसे प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे, मतलब मुझे खुद से भी विश्वास नहीं होता. तो दो तीन प्रोडक्ट मैंने खोल के देख लिए थे, बाकी जो प्रोडक्ट है वो मैंने नहीं खोल के देखे. वो मैं आप ही के सामने खोलूँगी एंड देखते हैं कि वो जैसे पिक्चर में दिख रहे थे एग्जैक्ट वैसे ही आए हैं कि नहीं आए हैं. और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना क्योंकि जब भी वीडियोज़ आएगी आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा. आपको वो चीज़ें पसंद आई हो तो आप उनको आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही मतलब अपने लिए परचेज कर सके. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ही प्रिटी सी एंड पिंटरेस्टी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मैंने ऑर्डर किए हैं. एंड लेट्स बिगिन विद दिस बॉक्स. एंड ये छुटको सा बॉक्स है हमारा, तो हमारा पैक्ड है पूरा. ओके, ये तो बहुत ही छोटू सा है, मैंने इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा ये बड़ा होगा. यार ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. तो ये मैं इसका ये पिक्चर देख के पहचान गई ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है. एंड मुझे लगा था जो बड़े बॉक्स है ना उनमें ये प्रोडक्ट है, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे. लेट्स सी अब प्रोडक्ट कैसा है. ये हमारा है ग्लास जार विद यूनिक गोल्डन डियर डिज़ाइन लेट फॉर स्टोरेज एंड मल्टीपर्पज यूजेस. तो आप देख रहे हो इतना सुंदर सा है हमारा पिंटरेस्ट, आपको देख के आ रही है ना. इसमें भाई भले ही साइज़ थोड़ा छोटा हो लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है. इसका जो ये लेड है पूरा गोल्डन कलर का, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा शाइन करा है. इसके ऊपर ना पॉली चढ़ी है ताकि हम इसको अब ऐसे उतार सके और इसकी जो शाइन है वो आपको पूरी दिख सके. यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारा है 308 रुपीज़. तो वैसे मैं मतलब थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन ये 308 रुपीज़ का ग्लास का आप जार देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा है. इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है, बहुत भारी नहीं है, हल्का सा है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला ग्लास है ये. एंड इसके ऊपर जो डियर वाला हमें लिड दे रखा है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छे से लग रहा है कि आपको देखो जो 12 सिंगा बोलते हैं ना वो वाला डियर इसमें बना रखा है. और ये मतलब एयर टाइट लिड आपको दे रखा है तो इसमें आप कुछ भी नमकीन बिस्किट कुछ भी मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो. मतलब आपको कुछ इसमें अपना फूड रखना है या फिर बिस्किट रखने नमकीन ड्राई फ्रूट्स या आपको अपनी ज्वेलरी भी इसमें रखनी है तो भी आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हो. ये काफ़ी सुंदर लगेगा आपकी वैनिटी में. तो बहुत ही सुंदर सा है एंड बहुत ही पिंटरेस्टी सा ये प्रोडक्ट है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं. 308 रुपीज़ का ज़्यादा नहीं है, जैसे दिख रहा था पिक्चर में एग्जैक्ट वही है बट अगेन वही साइज़ इसका काफ़ी छोटा. मुझे लगा इतना बड़ा होगा एटलीस्ट, बट ठीक है. ये भी मुझे काफ़ी अच्छा बहुत ही क्यूट सा लगा है तो मैं इसको रख लूँगी. तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा. अगर आपको पसंद है ना ऐसी चीज़ें तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको अच्छा लगेगा. तो नेक्स्ट हमारा ये वाला बॉक्स है, तो मुझे लग रहा था इसमें भी इस वाले बॉक्स में होगा. तो खोल के देखते हैं इसमें कौन सा वाला हमारा प्रोडक्ट है. ये हमारा प्रोडक्ट है एंड तो ये मिली है हमें 290 रुपीज़ का. एंड 290 रुपीज़ में सच बताऊँ बहुत ही अच्छी डील है क्योंकि 290 रुपीज़ में आपको इतना बड़ा, आपको देख रहे हो काफ़ी बड़ा साइज़ है, आपको पॉट मिल रहा है वो भी मेटल का है एंड साथ में उसका स्टैंड भी मिल रहा है जो कि ये भी मेटल का ही है. एंड इसमें ना यहाँ पर लगाने के लिए ये दे रखे हैं इनके, और तो ये आप लगा लेना खुद से. तो मैं अभी ये बाद में लगाऊंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ भी कैसा है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ऐसे आप देखो इसकी हाइट भी काफ़ी सही है, बहुत बड़ा स्टैंड भी नहीं है, बहुत छोटा स्टैंड भी नहीं है. वेदर यू प्लेस इट इन योर लिविंग रूम, बेडरूम, एंट्री वे, गार्डन, मतलब जहाँ पर भी आप इसको ऐड करोगे ना इट इज़ श्योर टू मेक अ स्टेटमेंट. सो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है. आर्टिफिशियल प्लांट भी इसमें लगा सकते हो या फिर जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं वो उसको पॉट में करके, क्योंकि होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इसमें भी होल हो जाएगा, बट इसको ख़राब क्यों करना। इसके अंदर आप जो पॉट आता है वो रखोगे ना वो, और बाहर पे प्लांट दिखेगा बहुत ही सुंदर लगेगा। मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आर्टिफिशियल प्लांट तो नहीं, बट मुझे ओरिजिनल प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी डील है एंड 290 रुपीज़ में, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही सही लगा। तो उसको डेफिनेटली आप ट्राई करके देखें। हमारी ये हेयर एसेसरीज एंड ये हमारे हेयर बैंड है, और जो कि मुझे मिले हैं ये मुझे मिले हैं 141 रुपीज़ में। 2 आपको बैंड मिल जाएंगे, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि आप इसमें आपको बैंड दे रखा है, ये आप अपने ईजिली अपने बालों पे लगाओगे तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपके बालों में देगी। मतलब इसका ब्लैक तो नहीं है कलर, मतलब ब्राउन शेड है हल्का सा, और इसमें आपको बटरफ्लाई लगी हुई हैं। तो 2 आपको बैंड मिल रहे हैं और क्वालिटी इनकी सच में काफ़ी अच्छी है। मतलब बहुत ही शाइनी से हेयर है एंड इसमें बटरफ्लाई लगी हुई है छोटी छोटी सी, आप देख रहे हो कुछ इस टाइप की बटरफ्लाइज है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक, और आई गेस ये सारे ही जो बाल जो कलर होते हैं हमारे हेयर्स के उनमें ही चल जाएंगे। तो मेरे बालों का कलर आपको पता ही है कैसा है, तो ये आप देख रहे हो मेरे बालों में भी मैच हो गए, मतलब काफ़ी सही लग रहे हैं। तो जिनको पसंद है अपने मतलब हेयर्स में ऐसे मतलब इस टाइप की एसेसरीज जिनको पसंद है वो डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखना। मतलब मुझे भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूट क्यूट सी चीज़ें तभी मैंने मंगवाई है इसको, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको खुद पे भी यूज़ कर सकते हो, ये कटक गया है, तो आप इसको ना खुद के लिए भी मंगा सकते हो, या फिर आप जैसे जो गर्ल्स होती हैं छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं उनको उनके लिए भी आप लगाओगे। जैसे 2 चुटियां बनाते हैं ना जब उनके बालों में लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी, या फिर आप अपने ऐसे जैसे एक आपने बनाई है पॉलिटेल उसमें भी आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके देखना, बहुत ही प्यारा सा एंड ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 141 रुपीज़ है, तो उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्सल आप देख लो कितना बड़ा है, और इसमें भी मुझे लगा था वो जो 2 पार्सल ही बड़े बड़े थे इन दोनों में मुझे लगा था कि वो हो सकता है, बट वो नहीं था, और इसमें तो मैं समझ गई हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसी चीज़ आपको मिले तो बहुत खुशी होती है। तो ये और एक और चीज़ निकली है इस बॉक्स में से जो कि इसके अंदर है, मुझे पता नहीं है, खुल के देखना पड़ेगा। ओ कितना क्यूट सा ये, इसका जो क्या होगा मुझे पता नहीं, ऊपर शायद इसको लगाने का होगा। यार ये क्रिस्टल जैसा ना, कितना सुंदर लग रहा है सच में, बहुत सुंदर लग रहा है ये, देख रहे हो जैसे पिक्चर में दिखाते ना हमारे डायमंड या फिर क्रिस्टल है इस टाइप का, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब खोलते हैं इसको। तो एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी है जो कि इसमें निकली है, दूसरा ये हमारा ओके ये इसके ऊपर ही लगेगा, बहुत ही सुंदर सा हमारा केक स्टैंड है ये। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी एक और चीज़ है इसमें हमें मिली हुई, जो कि थोड़ी हैवी है, पतली नहीं है बिल्कुल भी, ये मेटल वेटल की बनी हुई है शायद, क्योंकि लगी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओ 2 प्लेट्स हैं इसमें, और ये दोनों ही बहुत हैवी है, तो पहले मैं इसको लगा लेती, इसको तो यहाँ लगाना है यार, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे इस, हाँ अब लग गया है। तो ये हो गया है फिक्स एंड एक प्लेट हमारी जाएगी यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कुछ इस टाइप की प्लेट है और बहुत ही अच्छी लग रही है, जो कि देखो आप पीछे से वाइट है और आगे से इसका टेक्सचर तो नहीं, बट हाँ कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हो रखा है जैसे हमारे केक के नीचे जो बेस जो प्लेट्स होती है वो उस टाइप से। तो ये कुछ इस टाइप का स्टैंड है जो बहुत सुंदर लग रहा है सच में, इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब आप इसमें कुछ भी चीज़ अपने डिस्प्ले करोगे ना वो बहुत ही सुंदर लगेगी, चाहे तो आप इसमें अपने परफ्यूम डिस्प्ले कर सकते हो, अपना मेकअप स्किन केयर
या फिर अपनी ज्वेलरी वगैरह जो होती है, छोटे छोटे से स्टैंड आते हैं ज्वेलरी के, उस पर रखोगे बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और केक स्टैंड तो है ही ये, तो या फिर आप जैसे बर्थडे वगैरह होता है डेकोरेशन के लिए, आप इसमें छोटे छोटे से कप केक रखोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा यार, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी केज की, ये गोल्डन कलर का हमारा है एंड इसका जो ये ऊपर पे जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड इसका प्राइस नहीं बताया मैंने आपको, ये है हमारा 742 रुपीज़ का, जो कि मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो इसमें प्लेट्स रखे ये भी चीप क्वालिटी की नहीं, ये भी काफ़ी अच्छी है, मोटी है, बिल्कुल ऐसे मुड़ने वाली नहीं है, मेटल की बनी हुई है एंड ये ऊपर पे क्रिस्टल आपने देखा बहुत ही सुंदर, मतलब बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको आप डेकोरेशन पर्पज़ से कहीं पे भी लगाओगे बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। या फिर कभी जैसे घर में पार्टी होती है तो आप इसमें कुछ भी डिस्प्ले करके फूड वगैरह जैसे स्नैक्स वगैरह रखोगे वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप देखो बहुत ही सुंदर सा हमारा केज है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखना, बहुत ही सुंदर है। तो नेक्स्ट है हमारा ये लेयर्ड मल्टी कलर नेकलेस एंड ये 183 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसका ना थोड़ा सा मतलब ये पैक्ड होके आया है तो उसका थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो उसका शेप थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन जैसे पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट वैसे ही है और उस टाइप का ही जब शेप में आ जाएगा ना ये बहुत सुंदर लगेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और ये मल्टी कलर है तो ये आपकी काफ़ी सारी ड्रेसेस के साथ में चल जाएगा। तो बीच में आप देख रहे हो कुछ इस टाइप के मोती हैं हमारे एंड यहाँ पे छोटे छोटे से बीट्स ये वाले हैं लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है एंड डबल लेयर्ड है। एक पूरी चेन आप देख रहे हो कुछ इस टाइप की है एंड एक जो लेयर है वो कुछ इस टाइप की है, और इस ये वाला हुक आपको दे रखा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और एकदम चिपकने वाला भी नहीं कि आपका नेक से चिपक के आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। और इसका थोड़ा सा ना जैसे मैंने बोला आपको इसका थोड़ा सा शेप ख़राब हो रखी है क्योंकि पैक्ड होके आया था तो बिल्कुल ऐसा हो रखा था, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी तो ये फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने अभी सूट पहना है तो सूट में अभी इतना मैच नहीं कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सुंदर सा है, 183 रुपीज़ का, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो गाइस इधर आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वैसे मुझे पता है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, मतलब जितनी आप तारीफ़ करो उतने कम है, सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।